होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बाकी कमेंट करके बताना और क्या हाल चाल है आप सभी के। और गाइस हम लोग थोड़ी देर पहले सो के उठे हैं, मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है और वही सुबह का रूटीन गाइस आप सभी को पता होता है, बट आज थोड़े काम थे दो तीन वो कम्प्लीट करने हैं। और वैसे यार डेली डेली घर पे ही है तो क्या ब्लॉग बनाए क्या शूट करें यही सोचते सोचते कई बार होता है मिस हो जाता है। कभी आते हैं तो तीनों के आ जाते हैं, चारों के आ जाते हैं, कभी नहीं आते तो किसी एक का भी नहीं आता। ये अलग दुनिया के बच्चे हैं गाइस, ठीक है। और अभी लेटे हुए हैं यहाँ पे और धीरे में प्रेरणा से बहुत काम से गई थी। और बाकी अभी हम लोग मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, मम्मी ब्रेकफास्ट रेडी कर रही है, मैं दिखाती हूँ आपको। वेट ही नहीं है बिल्कुल भी तेरे अंदर, वेट ही नहीं है बिल्कुल। चल चला, अरे हट, अरे मेरी गर्दन, पापा छुड़ाओ ना। अभी लग जाती, लगी नहीं है, लगी नहीं है, एक्टिंग नहीं, एक्टिंग नहीं। और गाइस मम्मी बना रही है ब्रेकफास्ट, मैं दिखाती हूँ। अभी दिखाती हूँ मम्मी बना रही है। मम्मी क्या बना रहे हो ब्रेकफास्ट में? इतने बड़े हो गए देख के भी समझ नहीं आ रहा। आपको नहीं मालूम कि मम्मी मुझे आलू वाला कुछ भी नहीं पसंद? नहीं पसंद तो मैं क्या करूँ, इस देश में जो आलू नहीं खाता वो इंसान नहीं है। ये तो कोई बात नहीं है, प्रेरणा भी गई थी गाइस बाहर तो फ्रूट्स वगैरह लेके आई है क्योंकि जीजू यही बस शौक से खा लेते हैं और चीज़ों में तो नखरे करते हैं। मम्मी फिर मैं क्या खाऊँगी ब्रेकफास्ट, मुझे तो भूख लगी है। चीनी वाला बिस्किट। अच्छा मतलब सब ये सब खाएंगे, पकौड़ी पकौड़ी और मैं ये खाऊँ सिर्फ ब्रेड पकौड़े? तू नहीं खाती है? खाती हूँ पर आलू का मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता है। तो ब्रेड पकौड़े आलू के ही होते हैं। जाओ बेटे तुम गप्पे मारने मत आओ, सब बड़े सुखाओ, जल्दी जाओ। चलो गाइस ये बम्बई से आए हैं, चलो कपड़े सुखाओ, काम करो। और मम्मी ने कपड़े धोए, बता रही। और गाइस मम्मी ने कपड़े धोए थे इतने, सॉरी गाइस दिखा, अरे दिखा रही हूं गाइस मम्मी ने इतने सारे कपड़े धोए, ये रे वो रे वो रे हैं। आपने बच्चों हमारे पिछले व्लॉगों में कई साल वाले व्लॉगों में देखी हुई तन्नू की हरकतें, मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ, हमारी तन्नू बहुत सुधर गई है अब। लेकिन अब छोटे वाले इसके भाई में आ गए हैं सारे फीचर्स। पास इन द पास। और चले मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। जीजू का ब्रेकफास्ट मम्मी ने बनाया है आज, ब्रेड पकौड़े मैंने अभी आपको बताया ही था। उठो भाई, जीजू उठो, गाइस उठो। और ये सारे बच्चे अभी यहीं बैठे हुए हैं, चलो ना तुम लोग भी नाश्ता करो, चलो। बड़े बेकार बच्चे गाइस, चलो उठो यार। गाइस अभी मैंने इतने सारे मैं कपड़े सुखा के आई हूँ, उसके बाद भी ये कुछ रह गए हैं, अभी मैं सुखाऊंगी। एंड गाइस यहाँ पे हमने एसी लगवा ली है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि गर्मी कूलर में काफ़ी। नो ना पापा को दो, आइए उठाओ इनको, चलो। और नहाने के बाद हम लोग निकल गए हैं कहीं बाहर जाने के लिए क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट काम था, तो बहुत दिनों बाद। और गाइस वैसे कमला नगर जा रहे हैं, कुछ काम था तो बहुत दिनों के बाद हम लोग निकले हैं। हम जा रहे थे मैं, पुनीत, गौरव भैया और अंशु और मैं, और पहले मासी के बच्चे भी जा रहे थे पर फिर तन्नू सो गई और ईशु ने मना ही कर दिया कि मेरे लिए चीज़ ले आना, पर मैं जा नहीं रहा। तो हम लोग निकल गए हैं जाने के लिए और बहुत दिन हो गए थे यार, मैंने तो, मेरे को ऐसा लग रहा है पता नहीं कब से बरसों से मैंने कमला नगर नहीं देखा, क्योंकि मेरा भी मन था कुछ एक दो चीज़ें लेने का, तो मैंने कहा चलो हम सब होके आते हैं। पहले प्रेरणा भी चल रही थी बट फिर वो आई नहीं क्योंकि जीजू वगैरह सो गए थे, तो जीजू ने कहा फिर मैं अकेला बोर होऊंगा, तो प्रेरणा वहीं रुक गई और बाकी हम लोग निकल गए हैं। मिल के पहुँच के आप लोगों से मिलते हैं। पता नहीं गाइस कैसा होली ऐसा ना बदल गया हो, कमला नगर का जाती नहीं हो ना ज़्यादा दिन तो अजीब सा लगने लगता है। बाकी चलो पहुंच के मिलते हैं आपसे। गए थे कमला नगर और सबसे पहले इसने फॉरएवर स्टाइल से कुछ टी शर्ट्स लिए अपने लिए, और इसने तीन लिए, एक मैंने अपने लिए लिया है क्योंकि मेरे को ना इसके कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब मेरे को ना ऐसे लूज लूज टी शर्ट शर्ट वगैरह हो ना लड़कों की तो मेरे को ज़्यादा पसंद आती है। मैं घर में पापा तो नॉर्मल साइज़ पहनते हैं, ये पहनता है बड़े साइज़, तो मैं इसकी ले कर पहन लेती हूँ। और बाकी अभी चल रहे हैं आगे, फिर मिलते हैं आप लोगों से। लग रही थी भूख तो ना, हमने कमला नगर में वैसे कुछ भी नहीं खाया था, तो हम लोग इधर आ गए सम्राट वगैरह खा के चले जाएंगे, बाहर कहाँ ही रुकते और लेते क्या, तो हम इसलिए आ गए सम्राट रेस्टोरेंट। बहुत दिनों बाद आए हैं तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से घर पहुँच के। और अभी अंशु ने जो इसको शॉपिंग करनी थी थोड़ी, बट सारी कम्प्लीट अभी हुई नहीं है,
तो वो बाकी हम यहीं से करेंगे कैंप साइट से, तो मिलते हैं, चले बाय। फिर नेक्स्ट इसको जो लोअर्स वगैरह लेने थे वो हमने लिए यहाँ से, इसे शूज़ भी लेने थे बट वो कलेक्शन इसको यहाँ पसंद नहीं आया, तो ये हो गया डन। घर जाके ना गाइस मैं अपने फ़ोन के लिए न्यू कवर वगैरह भी लाई हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और बाकी चलो चलते हैं। जीजू का खाना, और गाइस प्रेरणा और जीजू की लड़ाई दिन में 365 बार होती है, जिसमें ये डाइवोर्स लेते हैं गाइस, और फिर अगले दिन इनकी शादी होती है। गाइस हमारा बहुत खर्चा होता है गाइस, नहीं हमारा बहुत खर्चा होता है। खाली के छोड़ू ब्रैकेट जाएगा, ब्रैकेट आजा, ब्लैंकेट हटा और खाना खाओ, ब्रैकेट भर गया ना तो बेटी और हो ही जाएगा, कोई बात ना, ब्रैकेट भरने के बाद 6 महीने हटाना, 6 महीने बाद तो मिल जाएगा ना, फिर 6 महीने में तो तुम्हारे फिर 365 को एक दिन से 6 महीने कर लो तुम, तो 6 घंटा रुको ना, जब तक बकचोदी हो रहा है 6 घंटा सही में, अभी 2 घंटा छोड़ के चली जाओ ना, मुझे बाद में लड़ाई होगी गुल्लू पता नहीं, ये एसी कितना शोर कर रहा अच्छा वो कड़ी है, अच्छा पापा आपके सामने भी मार रहा है आपका, कोई मतलब कोई नहीं है, डर ही नहीं है आपका, चलो गाइस मैं भी खाना खा लूं, पापा देखो मार रहा है, पापा मम्मा को मार रहा है वो, चलो गाइस मिलते हैं, मैं भी खाना खा लूं, भूख लग रही है, फिर आप लोगों से बाय। यहाँ पे हमने खाना पीना सबने खा लिया, और यहाँ पे हम थोड़ा इसके शर्म आएगी, नहीं चुप हो जाओ सारे, और गाइस यहाँ पे हम सारे बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, है निशी फ्रैक्चर, ये तेरा गाउन नहीं है वजीराबाद, जा निकल, तेरा फ्रैक्चर कब ठीक होगा बहन, हमें तो आधा डर ये रहता था कि हम फेल हो जाएंगे, तो ये ब्लॉग ज्यादा हो चुकी है, रहा कर रही हूँ चेंज, अभी सब आइसक्रीम खा रहे हैं, और गाइस पापा गए थे फलूदा और वो बादाम शेक वगैरह लिए, वरना शॉप बंद थी तो 12-1 बज रहे, तो पापा सबके लिए आइसक्रीम लेके आ गए, और अच्छी आइसक्रीम कोई भी नहीं लाई, इसलिए गाइस फोन खाती हूँ हमेशा, आज ये खानी पड़ रही है। अच्छा तो आपको बोला था जब कुछ खाया तो आपने अपना गंदा मुँह हिलाया, तो कैसे लेके आएंगे हम, नोना पापा का सर दबाओ, गाइस इसकी तो एक्टिंग ही नहीं खत्म होती पूरा दिन, मैं भी सोऊंगा। उसके और उसके पापा के पास कोई नहीं सो सकता भाई, ईशित उठ जाओ, वो रोएगी, आ जा गया गया गया, आप सो जाओ, इंजेक्शन आप सो जाओ, ये गई अपने पापा का सर दबा रही है, और जीजू के पैरों में ना गाइस आज काफ़ी दर्द हो रहा है, मतलब ये जो बैक साइड है ना ये काफ़ी पेन हो रहा है जीजू को आज, तो जीजू ने ये मालिश करवाई, पहले मैंने सिकाई करी तो थी बट जीजू ने कहा रिलैक्स नहीं मिल रहा, तो ये वो कर रही है, और इन्होंने सब ने गाइस मुझसे मैकडी से बर्गर वगैरह ऑर्डर करवाए हैं, है? कितने रुपये का देख रहे गाइस, जीजू को बताया, जीजू
दिन में बाहर से मैं गई थी, मैं ले आई, फिर उसके बाद मम्मी, हाँ गौरव भाई ने दिलाए, मम्मी पापा, मम्मी ने इतना बढ़िया खाना बनाया, कड़ी वड़ी सबने पकौड़े वगैरह खाए हैं, पर इनका जी नहीं माना, इन्होंने मैकडी से सबने अपने लिए अलग अलग बर्गर फ्राइज और चॉकलेट शेक और कोल्ड कॉफी सब मंगाया इन्होंने, तो तू मत खाना, कैंसिल हो गया तो ठीक है, ना फ्राइज खाने हैं। सुन तू ऐसा कर, आज तू अपनी चारपाई यहाँ बिछा ले इधर कमरे में, देखना नोना को, फ्राइज एक बार मत खोल मत खोल, नोना क्या आया फ्राइज गाइस, और मैंने ना सबको यहीं बुला लिया, मैंने कहा क्योंकि जीजू भी यहीं है, फिर हम सब इधर उधर चले जाते हैं, तो यही, ओए ये कैसे आ रहे हैं ये बच्चे, ये मेरे को तो निशिले, अरे ये मुंह रखो क्योंकि गिल होगा क्या पानी वानी गिर सब खा लो सब खा लो, ये कोल्ड कॉफी किसकी है, दीदी की, तो सारे बालक राजी हो गए बर्गर देख के, अच्छे ये भी बालक रहा है, हाँ कोल्ड कॉफी मंगाई थी, कोल्ड ड्रिंक आ गई गलती से, कोल्ड कॉफी नहीं मंगाई थी, तेरा नहीं है ये। गाइस रात के 2 बज रहे हैं और मैं जस्ट ऐसे किचन में आ गई थी एक वीडियो शूट करने, तो ये बच्चा मेरे को आके बोलता है मासी दो दी लो, मासी दो दी, और मैंने इसको दो दी ले लिया, तो अब इसको बात सुनो, क्या बात करनी, मासी को गले लगो पहले, गले लगो मासी को, पहले मासी को गले लगो फिर मासी चीजी देगी, गले लगो, ऐसे गले लगते हैं, और किसी कैसे देते हैं, किसी कैसे देते हैं, यू 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 यू, किसी कैसे, किसी तो पहले क्या चाहिए जानू को, ये खाना खाना है जी, नींबू चाहिए मिंजू, नींबू चाटती है यार, ये बड़ा खराब बच्चा है मेरा, बड़ा खराब है, बड़ा खराब है, पर जैसा भी है सबकी जान है, मीठा मेरा। गाइस घर में सब सो गए हैं, बस हाँ ये बच्चे तन्नू कोमल अंशु ये सब उठे हुए हैं, एंड मम्मी पापा मासी वगैरह सब सो गए हैं, पर नूना नहीं सोई अभी, तो मैं इसकी रखवाली कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा बेटा है, मेरे बच्चे को नजर न लगे किसी की, क्या हो गया आपके सर में, ये बाल है, हेयर्स हेयर्स, ये दे दूं आपको, एंड गाइस चलिए इसी के साथ हम करते हैं अपने ब्लॉग का एंड, आपसे मिलेंगे कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, ये वाला व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, एंड कल में भी मासी का लास्ट डे है, तो हम पहले बेचारी को कहीं लेके घुमाने फिराने पे हमेशा लेके जाते थे, बट इस बार वो भी नहीं हो पाया, एंड ओए साउंड कम करो, तो मैंने बोला, मासी बोल रही थी कि थोड़ा बहुत काम है या कुछ है, तो हमने कहा चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे या हम जाएंगे तो ट्राई करेंगे, बट हाँ मे बी एक दो दिन में मासी चली जाएगी वापस, है ना सोना, हाँ देखा, और चले फिर मिलेंगे आप लोगों से कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, आप लोग कैसे हो कमेंट करके बताना, एंड बाय गाइस टेक केयर, गुड नाइट, लव यू, बाय करो फ्लाइंग किसके साथ, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय गाइस।